मेरा नाम है वृषाली। आज की कहानी पक्षी के बारे में है। कौन सा पक्षी? तोता। हाँ, एक परिवार हमारे घर के नजदीक पेड़ पे रहता है। जब अप्रैल में लॉकडाउन घोषित हुआ था, ये कहानी उस दौरान की है। अब अप्रैल का महीना, धूप तो कड़ी होती है। सामने वाले मकान में बर्ड फीडर टंगा हुआ रहता है, जहां रोज आजू बाजू से पक्षी आते हैं दाना खाने के लिए। इनमें कौवा है, कबूतर है और ये तोता परिवार भी होता है। जब लॉकडाउन घोषित किया, एक दो दिन में मुझे एहसास हुआ कि तोता परिवार सामने आ नहीं रहा। खिड़की में टंगा बर्ड फीडर दिख नहीं रहा है। आते जाते जो तोते का आवाज सुनाई देता था, वो भी नहीं आ रहा। तो मैंने उनसे बात करने की ठान ली। पहले तो मैंने उनका हालचाल पूछा, फिर उनसे पूछा कि धूप कड़ी है, मुझे वो बर्ड फीडर नजर नहीं आता, आप बोलो मेरी खिड़की में या मेरे बरामदे में एक बर्ड फीडर टंगा दूं, आपको कोई दाने खाने के लिए, पानी पीने के लिए व्यवस्था करूं। तोता परिवार ने कहा कि नहीं, हम जो पेड़ में रहते हैं वहां पे छाव है, खाने को है। हाँ, खाना बहुत ज्यादा नहीं है, पर पेट भर के जरूर मिलता है। तुम अभी जो इस बीमारी से जूझ रहे हो, इसमें से पहले सवर जाओ, फिर वो खिड़की वाला बर्ड फीडर बाहर जरूर आएगा। इतना सुन के मैंने उनसे धन्यवाद कहा, हमारा संवाद बंद हो गया। उन्होंने जो कहा था वो सही निकला। अभी 4 दिन पहले की बात है, खिड़की भी खुली है, बर्ड फीडर भी बाहर है और तोता परिवार दाने चुभने जरूर आ रहा है। ये देखिए थोड़े वीडियोस। कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट्स में जरूर बताना। इसे कहते हैं इंटरस्पीशीज कम्युनिकेशन। और भी कई नाम हैं इसके, जैसे एनिमल कम्युनिकेशन, योनि अंतर्भाषा। ये किसी भी प्राणी के साथ किया जा सकता है। आप कभी कोई पालतू प्राणी हो, आपको रस्ते पे कोई कुत्ता मिला हो, किसी पेड़ के पक्षी से आपको बात करनी हो, मुझसे जरूर संपर्क कीजिए। अगली कहानी तक धन्यवाद।